तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं माय हेयर कलर एंड लाइक मैं बर्थडे सीरीज कर रही हूँ एंड इसमें अगर हेयर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो ना हो, हेयर कलर वीडियो ना हो, ऐसा बन ही नहीं सकता. बिकॉज अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर तो आपको पता ही होगा कि मैं अपने बालों के साथ लाइक कितना अत्याचार करती हूँ. अराउंड मैंने 3 महीने पहले ही हेयर कलर किया हुआ था, दिसंबर में, एंड उसके पहले भी 2-3 महीने पहले कलर किया हुआ था. एंड दिस इज द लाइक 3rd-4th time कंटिन्यूअसली जब से मैंने चैनल खोला है तब से. सो या आज हम करने वाले हैं हेयर कलर वीडियो. एंड फॉर टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू ट्राई आउट गार्नियर का हेयर कलर. दिस इज इन द बर्गंडी शेड. मैंने 1 साल पहले पर्पल हेयर कलर अपने बालों पे किया था, बट तभी मैंने स्ट्रिक्स का हेयर कलर यूज किया था एंड उसमें आई हैड टू प्री लाइटन माई हेयर एंड देन उसके ऊपर आई हैड टू डू द कलर ताकि वो कलर पकड़े. एंड वो यूज करने के बाद मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए और वो कलर बिल्कुल लास्ट भी नहीं हुआ था. और उसका साइड इफेक्ट ये हो गया था कि वो जब कलर फेड होते गया तो वो कलर पर्पल से ग्रीन में टर्न हो गया और मेरे बाल इतने गंदे दिख रहे थे. लाइक वो कवर करने के लिए आई ट्राइड आउट गार्नियर का कैरेमल ब्राउन हेयर कलर एंड उसने फिर मेरे बालों को लाइक सेटल नॉर्मल कर दिया था एंड अच्छा दिख रहा था वो. तो मेरा गार्नियर के साथ कभी ऐसा बुरा एक्सपीरियंस रहा नहीं है. सो आई थॉट अगर ये बार करना है तो आई विल ट्राई आउट विद गार्नियर. बीब्रेंड का भी सोचा लेकिन मुझे बीब्रेंड कहीं नहीं मिला तो आई थॉट आई एम गोइंग विद गार्नियर. मुझे कोई और रिस्क नहीं लेना ये बार. सो लेट्स गो. आई होप ये बार गार्नियर डिसअपॉइंट ना करे जैसे लास्ट वीडियो में मेरा बहुत बड़ा वाला फ्लॉप हुआ था वैसे. लेट्स गो. सो दिस इज द गार्नियर हेयर कलर इन द शेड बर्गंडी. नंबर है इसका 3.16. नाउ दिस इज फॉर 180 rupees एंड ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट अ क्रीम कलर एंड अ डेवलपर. These are the two things which we are going to need. Main, this is the cream tube, this is the developer, and then we have a instruction manual and uske andar gloves rahega. I'm a pro now in hair color at home. So yeah, so we have gloves, we have conditioner and we have color. Let's start. Going to need is a comb, a bowl and a brush. These are the basic things जो color के लिए हमें लगेंगे and बाकी तो color developer and gloves हमें मिल ही गया है packet में. So now let's start with adding the cream and the developer and then we will start applying the color. So actually मुझे आगे के जो दो strips है ना, I want पतले दो strip as बर्गंडी कलर. लेकिन ये चीज मैं पहले नहीं करूंगी, पहले मैं सिर्फ नीचे से ओम्ब्रे करूंगी जैसे ये फिलहाल है वैसे. एंड इसका वॉश करने के बाद अगर कलर अच्छा खासा आ रहा है तो आई विल डू दिस थिंग, वरना आई एम नॉट गोइंग टू डू. ये जो ब्राउन कलर है हल्का सा वो भी चला जाएगा एंड फिर वो फेड होने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा. पीछे पीछे कर लेते हैं ताकि कलर में बाल डूबे ना बॉल के अंदर मिक्स करते हो. Now we will start with mixing color. I will just open the tube and मैं half half use कर रही हूँ क्योंकि last time मैंने एक साथ पूरा tube use कर लिया था ये सोच के कि मेरे बाल लंबे हैं पूरा लगेगा and then बहुत color बच गया था. So I'm not going to do that mistake again. And I will just add the developer. Now mixy. Mix the color. मिक्सिंग द कलर. और ये ना इसका लाइक जैसे टाइम होता जा रहा है ये कलर लाइक वाइट जो क्रीम था वो पर्पल पिंक में कन्वर्ट होते जा रहा है. नॉट पर्पल बट पिंक, बेबी पिंक हुआ है अभी फिलहाल. आई डोंट नो ये कैमरे पे दिख रहा है या नहीं लेकिन इट इज वेरी लाइट पीच पिंक कलर.
So first I will just entangle all the knots from my hair. ठीक है, अब आई विल टेक अ पोनी सेक्शन ईयर टू ईयर और इसे हम बांध देंगे. हमेशा की गलती, हमेशा मैं टॉवल लगाना भूल जाती हूँ एंड मेरे गले पे भी फिर कलर आ जाता है मस्त. सो नॉट गोइंग टू लेट हैपन लाइक दिस टाइम. And let's start. I don't know why, लेकिन ये बार ना मुझे कलर से थोड़ा डर लग रहा है कि फ्लॉप नहीं होना चाहिए यार वापस लास्ट टाइम जैसे. This is how my color looks like in sunlight. ये sunlight में बहुत अच्छे से shine कर रहा है. Like wow, this is what I wanted. Natural light में ये black लग रहा है. Okay, that's okay. लेकिन sunlight में ये actual burgundy color दिख रहा है. And I am so happy with that. So yeah, that's it for this video. If you love the video, then please do like, share, comment, and to subscribe my channel if you're new to my channel. See you in the next video. Till then, bye.